सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग से जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में दो लोगों की मौत हो गई है। कल सुबह से लगातार पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में फायरिंग हो रही है। कल भी दो नागरिक मारे गए थे। कल सेना और बीएसएफ के भी एक एक जवान शहीद हुए। तो आरएसपुरा में एक मासूम की मौत और दूसरी तरफ सेना और बीएसएफ के जवान का शहीद होना, और इसका भी भारत जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने आरएसपुरा और अरनिया की हैं, जहां पर जैसे कि हमने आपको बताया कि कल दो नागरिक मारे गए थे और साथ ही बीएसएफ और सेना का एक एक जवान शहीद हुआ था। तो लगातार सीमा पर तनाव जो है बढ़ गया है और यह तनाव जो है गोलीबारी के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है, जिसमें भारत भी करारा जवाब दे रहा है। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता अजय बाशलू का। अजय, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? ताजा स्थिति अभिसार, जो शुक्रवार सुबह 6:40 पर स्थिति थी, वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार दोनों तरफ से बहुत भारी गोलाबारी हो रही है। हम भी जब रिपोर्टिंग करने गए थे तो आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की पीसीआर वैन बाकायदा निकलकर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रही थी, क्योंकि कुछ देर के लिए, करीब आधे घंटे के लिए अरनिया सेक्टर में फायरिंग बंद हुई थी। जब हमें सूचना मिली कि फायरिंग बंद हुई है, जब हम अरनिया सेक्टर पहुंचे, हमें वहां पहुंचे हुए 10 मिनट ही हुए थे कि पुलिस की पीसीआर वैन आकर लोगों को अंदर देने, अंदर रहने और हमें अरनिया छोड़ने की हिदायत देने लगी। तो स्थिति की आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति क्या है। स्थिति ऐसी है अभिसार कि लोगों के घरों से लोग भाग चुके हैं। लोग अपने घरों में किस हालत में भागे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों ने घरों में ताले नहीं लगाए हैं, घर सुनसान पड़े हैं, घर वीरान पड़े हैं। और कुछ लोग जो घरों में बैठे हैं अभिसार, उनके लिए अब खाने पीने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरे मार्केट बंद है, गांव में कोई नहीं है। तो ये स्थिति है बॉर्डर की अभिसार। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बाशलू। और फायरिंग के बीच अरनिया सेक्टर पहुंचने वाला एबीपी न्यूज पहला चैनल है जिन जगहों पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, उन जगहों पर एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाशलू पहुंच रहे हैं। रात तक आरएसपुरा सेक्टर में थे वो, अब वो अरनिया पहुंच चुके हैं जहां शुक्रवार से फायरिंग हो रही है। आज फायरिंग थोड़ी देर के लिए रुकी तो वो अरनिया में दाखिल हो पाए। आरएसपुरा से अरनिया की दूरी करीब 18 किलोमीटर दूर है। तो ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज है आपका चैनल, जो आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।